हम लोग तीन पहाड़ थाना में हैं और कल ही एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला आया था। उसको जब मेरे मैटर मेरे संज्ञान में आया तो आनंद फानंद में एक टीम का गठन किया हमने, इनको और प्रदेश के साहब को अधिकृत किया कि भाई जल्दी। तो लड़की आके बयान हम लोग के साथ बताई तो फिर इनको CWC के सामने उपस्थित कराया गया, जहाँ क्लियर ये हो गया कि उस बच्ची के साथ एक से अधिक आदमी ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। क्योंकि लड़की दो को पहचानती थी, जिसमें उसका नाम आया बादशाह नोनिया और शत्रुघ्न नोनिया। शत्रुघ्न नोनिया की गिरफ्तारी हो गई है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं। ये एडल्ट है और इसका दूसरा पार्टनर जो बादशाह नोनिया है, इसकी अभी यह अभी भागा हुआ हमको उम्मीद करता है बहुत जल्दी मिल जाएगा, चूँकि समाज के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। घर से जैसे ये शौच के लिए निकली थी देर रात में, उसी क्रम में दो आदमी थे बाहर में जो इसके पूर्व परिचित थे, लेकिन विश्वास में ऐसा था। उसको मोबाइल भी जो जब्त किया गया उसमें बहुत सारा कॉल डिटेल्स आया है, आउटगोइंग इनकमिंग भी है, लेकिन इन लोगों ने विश्वास में इनको लेके गया और ज़बरदस्ती ये घटना बगल में ही इनके घर के जस्ट बगल में जो पहाड़ी है और झाड़ी है वहीं पर इनके साथ किया गया। मेडिकल वगैरह हो चुका है, प्रोसेस में है। हमको लगता है कि बाकी जो लोग भी हैं उनको उनके तक पहुंचेगा ही और अविलंब उनके विरुद्ध में कार्रवाई। FIR अच्छे ढंग से कर दिया गया है और जो भी साक्ष है अभी तक हम लोगों ने मोबाइल तो जब्त हो ही गया है। पीड़िता का कपड़ा वगैरह भी हम लोगों ने सीज करके रखवा लिया है। जाँच टीम इसमें बैठी हुई काम कर रही है। जो बचा के बादशाह नोनिया के साथ इनको पहले से ही परिचय था, अब परिचय किस हद तक का था वो तो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए किस पॉइंट पर ऊँच कर कहने से कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन मोबाइल में जो चैटिंग है या आउटगोइंग इनकमिंग है उससे कुछ समझ में बात आ रही, उसी विश्वास में ही 1:30 बजे रात में। तो फिर इस तरह के इंसिडेंट जो प्लान करके जो हुआ है ये ऑफेंस में करता है, जिसकी वजह से केस दर्ज किया बॉक्स। इसमें कितने लोग थे? दो तो सामने नाम हम बोले ही दिए हैं, दो और है जिसको ये नहीं पहचानते और जो पकड़ाया है ये भी नाम कहीं ना कहीं इंगित किया है जो अभी हम आपको बता नहीं सकते। तो चूँकि हम लोगों की टीम काम कर रही है, बहुत जल्दी इसका बाकी लोग जो भी जो संलिप्त होंगे जो दोषी होंगे निश्चित से पकड़े जाएंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करेंगे।